So, आज हम पढ़ेंगे डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन. सो व्हाट आर दीज टर्म्स, ये हम पढ़ेंगे. तो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज अ रिलेशन एंड ऑल्सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट एनी रिलेशन. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेट टू द अदर सेट एंड बोथ द सेट्स वर नॉन एम्प्टी. रिलेशन क्या था? रिलेशन वॉज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. और सबसेट कैसे आता है? जब हम जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में है उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, तो जो भी उसको सैटिस्फाई करते हैं वो रिलेशन का पार्ट बन जाते हैं. देन वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन. तो चार मेथड्स हमने देखे थे. वन वॉज रोस्टर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं. देन सेट बिल्डर फॉर्म, कंडीशन फॉर्म में लिखते हैं सेट्स. इनपुट आउटपुट, इनपुट्स वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं, और आउटपुट हम वही एलिमेंट्स लिख रहे थे जो कि सेकंड एलिमेंट्स थे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के इन रिलेशन, राइट. एंड देन हमने एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना सीखा था रिलेशन को. दो ओवल्स बनाते हैं रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट, एंड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, एंड सिर्फ उनको मैप करते हैं जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं, राइट. तो ओवल में जो फर्स्ट सेट में मैप्ड एलिमेंट्स होते हैं वो इनपुट एलिमेंट्स थे, और जो सेकंड सेट में मैप्ड एलिमेंट्स थे वो आउटपुट एलिमेंट्स थे. तो ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे. तो आज देखते हैं व्हाट इज अ डोमेन रेंज एंड को डोमेन फॉर अ रिलेशन. सो जैसे डोमेन हम पहले अगर समझना चाहें तो हम इसको तीन चीजों से रिलेट करके समझ सकते हैं. पहले तो डोमेन बोल सकते हैं या इनपुट भी बोल सकते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट्स. तो डोमेन को हम, क्योंकि हम इनपुट समझ चुके हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट समझ चुके हैं, तो आप इसको डी आई एक्स साथ में ही याद कर लीजिए. तो डोमेन क्या होता है एक रिलेशन के लिए? इट इज एक्चुअली अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इनपुट्स. तो अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा था तो रिलेशन में जो भी इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे उसी का सेट हमारे पास डोमेन होता है. सो इट इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और द एक्स कोऑर्डिनेट्स. आपको याद है मैंने आपको कहा था हम इनपुट आउटपुट लिख रहे हैं फॉर अ रिलेशन, दैट वाज नॉट आस्क्ड इन एनसीईआरटी, बट दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डोमेन. तो जो भी इनपुट होते हैं हमारे पास रिलेशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं या फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, वो हमारे पास क्या होते हैं? दोज आर आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. तो जो सेट फॉर्म होगा उससे उसको हम बोलते हैं डोमेन. ये नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर सेट को, राइट. एंड हम रिलेशन में बात कर रहे हैं जो भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स थे या इनपुट या एक्स कोऑर्डिनेट्स. ऐसे ही अगर रेंज समझना है तो रेंज क्या होता है? वी कैन रिलेटेड टू आउटपुट और वाई कोऑर्डिनेट. सो रेंज आप याद कर सकते हो रिलेटेड टू आउटपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो रेंज इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स और द वाई कोऑर्डिनेट्स. तो जो भी आउटपुट्स थे हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स थे उनको हम बोलते हैं क्या? रेंज. वो एलिमेंट्स हमारे रेंज सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उसी को अगर सेट में रख लेते हो तो वो रेंज आपके पास आ जाती है. तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन हमारे पास होते हैं रेंज के, रेंज सेट या फिर रेंज के एलिमेंट्स. सो अभी हमने देखा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है. सो आप इसको याद कर सकते हो डी आई एक्स आर ओ वाई. डोमेन इनपुट एक्स कोऑर्डिनेट, रेंज आउटपुट वाई कोऑर्डिनेट. तो हम ये सारी चीजें रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं. तो रिलेशन सेट जब आ जाता है तो उसी के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन सेट के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं. जो इनपुट्स होते हैं वो डोमेन सेट के एलिमेंट्स है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डोमेन सेट के एलिमेंट्स है. तीनों सेम ही चीज थी. तो डोमेन क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन. ऐसे ही रेंज जो है आउटपुट और वाई कोऑर्डिनेट्स से रिलेट कर रहे हैं. और रेंज क्या होगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वाई कोऑर्डिनेट और द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, रिलेशन की बात कर. एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. तो अगर आपके पास कभी भी एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट बी, तो जो सेकंड सेट होता है, द होल सेकंड सेट
इज कॉल्ड दी कोडोमेन। इरिस्पेक्टिव कौन एलिमेंट मैप्ड है, कौन इनपुट आउटपुट, कुछ कुछ नहीं देखना है, जो पूरा सेकेंड सेट हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो जो आपके पास रेंज सेट आएगा दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर एरो डायग्राम से देखें, ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे थे कि ये लेट्स से इसको मैप्ड है, ये इसको मैप्ड है, ये इसको मैप्ड है। नाउ अगर आप आउटपुट देखेंगे इसके लिए, तो आउटपुट सेकेंड सेट में जो मैप्ड एलिमेंट्स होते हैं वो आउटपुट ओनली 4 and 5 है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, तो रेंज इज गोइंग टू बी सेट 4, 5, राइट। बट अगर मैं आपसे को डोमेन पूछूंगी, तो को डोमेन हमने बोला होल सेट भी है, तो दिस सेट इज गोइंग टू बी, तो आप देख सकते हो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, इट कैन बी इक्वल्स टू इट ऑल्सो, इक्वल सेट भी सबसेट होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट कैन नॉट बी अ बिगर सेट देन द को डोमेन। तो हमारे पास रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है को डोमेन, ये हम याद रखेंगे। तो आज हम इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस करने की और समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल ट्राई एंड फाइंड आउट डोमेन रेंज एंड कोडोमेन फॉर द गिवन रिलेशंस। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइंड है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, वाई इज इक्वल्स टू 2x, वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। So you have to write the domain, range and codomain for the relation. तो पहले relation लिखना जरूरी है, तब हम domain, range और codomain लिखकर दिखाएंगे, okay? तो देखो आपको इतना तो पता है last video से कि जो x होते हैं वो ही हमारे पास first set में होंगे, तो मैं आपका इसका arrow diagram साथ साथ बना देती हूँ, ज़्यादा easy रहेगा। एरो डायग्राम भी पूछा गया है, तो फर्स्ट सेट जो है हमारे पास दैट इज नेचुरल नंबर सेट, द सेकंड सेट इज आल्सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी आ जाते हैं सारे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो हम कुछ ही मेंशन करेंगे और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो हमें पता है रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि ये रिलेशन y इज इक्वल टू 2x को सैटिस्फाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3 and 4 ऑल्सो, बिकॉज 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो y क्या वैल्यूज ले लेगा, 2, 4, 6 and 8, तो अगर आप इनको मैप करोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स मैप्ड है, सो 1 is mapped to 2, 2 is mapped to 2, 2 is mapped to 4, 3 is mapped to 6 and 4 is mapped to 8, राइट होगा। तो सबसे पहले मैंने इसका एरो डायग्राम ही बना दिया क्योंकि उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है बहुत सारी चीजों की, तो ओनली दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन। तो मैं पहले लिख लेती हूँ अपने रिलेशन सेट को, कैसे डिफाइन करते थे हम, एक सेट बनाते हैं और हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, आई एम मेंटेनिंग द ऑर्डर, पहले x लिख रही हूँ और फिर y लिख रही हूँ, राइट, देन 2 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6 एंड 4 इज रिलेटेड टू 8, तो ये हमारे पास रिलेशन का सेट आ गया, सो ओनली दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड। अब हम आंसर करते हैं अपना डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, तो जो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स होता है या एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के, वही हमारे डोमेन सेट के एलिमेंट्स थे। तो डोमेन पहले तो एक सेट है, तो सेट लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, या फिर x कोऑर्डिनेट भी आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि देखो एरो डायग्राम में जो फर्स्ट सेट में मैप्ड एलिमेंट्स होते हैं वही x कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वही इनपुट्स होते हैं, सेम ही चीज बोलते हैं उनको, x कोऑर्डिनेट्स या इनपुट्स, तो यही तो मेरे पास इनपुट्स है या x कोऑर्डिनेट्स है या फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के रिलेशन में, राइट right? तो मेरे पास डोमेन सेट क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, 2, 3, 4, राइट।
आप देख सकते हैं पूरा सेट एन, फर्स्ट सेट मेरा डोमेन सेट नहीं है, ओनली जो मैप्ड एलिमेंट्स हैं वही डोमेन सेट के एलिमेंट्स बने हैं, वही इनपुट्स थे। रेंज क्या है? द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, सेकेंड एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर का है, या फिर आउटपुट्स, आउटपुट्स कहाँ होते हैं सेकेंड सेट में, तो 2, 4, 6, 8 यही आउटपुट्स हैं और यही वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे रेंज सेट के एलिमेंट्स, तो दिस विल बी 2, 4, 6, 8 राइट। एंड कोडोमेन, कोडोमेन इज द होल सेट बी विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, पूरा सेट बी जो होगा वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा, सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फॉर एनी रिलेशन। आप रिलेशन फाइंड कर लो और फिर इजिली आप उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिख सकते हो, या फिर आप एरो डायग्राम से कर लो, आप इनपुट आउटपुट उसके फाइंड आउट कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, देखो ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इज हाउ वी रीड इट, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ए और बी जो आ रहे हैं वो इंटीजर्स सेट से आ रहे हैं, मतलब दोनों इंटीजर्स ही हैं, और वो रिलेटेड तब होंगे जब उनका डिफरेंस क्या आ रहा होगा, एक इंटीजर आ रहा होगा। तो अब मुझे देखना है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ओके, तो अब देखो जो इंटीजर का सेट होता है, अगर आप देखें तो सेट ऑफ इंटीजर तो मेरे पास होगा -1, 0, 1, 2 कंटिन्यू कर रहे, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। Now you pick any integer, let's say -1 or 0 pick कर लिया, तो according to this, अगर मैं उन दोनों को कर रही हूँ, subtract कर रही हूँ, -1 minus of let's say 0 कर रहे हैं, माइनस बी 0 उठाया था, कितना आ गया -1 integer है। Let's say आपने pick किया a को as 2 और b को आपने pick कर लिया as 1, तो 2 minus 1 क्या आएगा integer। Let's say आपने pick किया a को 100 और b को आपने पिक कर लिया 2, तो 100 माइनस 2 कितना आया 98। सो दैट मींस नो मैटर व्हाट a एंड b यू चूज, सिंस बोथ ऑफ देम बिलोंग टू इंटीजर, द डिफरेंस इज आल्सो बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर ही आ रहा है ना, राइट। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द डोमेन एंड रेंज फॉर इट, मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर समझ आए मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देती हूँ, एरो डायग्राम से। ये इंटीजर्स का हमारे पास सेट आ गया, राइट, यहाँ पर भी हमारे पास ये आ गए। तो रिलेशन जो डिफाइंड है वो क्या रिलेशन डिफाइंड है, कि अगर दो का डिफरेंस इंटीजर है तो वो रिलेटेड होंगे। तो आप देख सकते हैं जीरो का डिफरेंस विद जीरो इंटीजर आएगा, जीरो का डिफरेंस विद माइनस वन इंटीजर, जीरो विद माइनस टू, जीरो विद वन, सबके साथ जीरो रिलेटेड होगा, है ना, क्योंकि इंटीजर आ रहा है। ऐसे ही वन भी सबके साथ रिलेटेड होगा, ऐसे ही टू भी। तो मतलब क्या यहाँ पर कोई अनमैप्ड एलिमेंट बचेगा? नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिफरेंस तो एक इंटीजर ही आ रहा है। सो व्हाट शुड बी द डोमेन, द डोमेन फॉर दिस विल बी द होल ए सेट, क्योंकि सारे ही इनपुट बन रहे हैं, सो दैट विल बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड ऐसे ही अगर रेंज देखोगे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट इधर के सारे एलिमेंट से मैप्ड है, सारे ही तो आउटपुट आ रहे थे, है ना, तो रेंज सेट भी क्या होता है इसका इंटीजर। सो दिस इज हाउ यू कैन सी, सो इफ यू कैन नॉट एक्चुअली राइट द रिलेशन सेट बिकॉज इट इज एन इनफाइनाइट सेट, यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम द एरो डायग्राम और फिर उसको सीधा लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप ये जरूर लिखिए, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, therefore all the elements in first set are related to elements in the second set. Next karte hain, next question hai, let r be the relation, kaise define hai, x is related to y if x square plus y square is equals to 25 and xy belongs to w, matlab xy whole number ko belong kar rahe hain, होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 आएगा, तो ऐसे एक्स और वाई रिलेटेड होंगे। तो आप बता सकते हो
कोई एक्स वाई जिससे स्क्वायर करके 25 आए, तो एक तो आप देख सकते हो कि अगर 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करोगे तो दैट इज 25, ऐसे ही 5 स्क्वायर और 0 स्क्वायर करोगे तो दैट इज आल्सो 25, राइट? तो मतलब 0 और 5 रिलेटेड है क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गिव यू 20, गिव्स यू 25, ऐसे ही 5 और 0 भी रिलेटेड है, और क्या 25 दे सकता है सोचो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 16 दैट इज आल्सो 25, तो मतलब 3 4 इज आल्सो रिलेटेड, एंड ऐसे ही 4 3 भी रिलेटेड है क्योंकि सेट होल नंबर्स का था, तो ओनली दीज एलिमेंट्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, तो हमने रिलेशन का सेट लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें डोमेन और रेंज बताना है, राइट? तो डोमेन क्या था, सेट था ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो भी है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमारे पास बन जाता है क्या, डोमेन का एलिमेंट। ऐसे ही रेंज क्या था, इट वॉज अ सेट सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, यही सारे आउटपुट्स हैं आपके पास और यही आपके पास सेम सेट के एलिमेंट्स हो जाए। यही पूछा गया था डोमेन एंड रेंज, हमने आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी द सेट 2 3 4 5, चार एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है 3 6 9 10। Let R be a relation from A to B, defined as A is related to B if and only if A is divisor of B. तो A B से तभी related होगा जब A B के लिए divisor है, और या फिर इसको ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं आपको, ये ऐसे दे सकते हैं लिख कर या ऐसे भी, ठीक है? A first set से आ रहा है और B second set से आ रहा है, ये mention कर दिया है, A belongs to A, B belongs to B. तो आपको पहले चेक करना है कि क्या A is divisor of B, जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा सिर्फ वही रिलेशन में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चेक करते हैं, A मैंने उठाया 2 और B उठाया 3, इज 2 अ डिवाइजर ऑफ 3, सो 2 डज नॉट डिवाइड 3, सो इट इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 3। ओके, 2 6, यस 2 डिवाइड 6, सो 2 6 रिलेटेड हो जाएंगे, राइट? 2 3 इज अ 6। 2 9 नहीं है, 2 10 यस, 2 5 आर 10, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 10। देन नेक्स्ट उठाते हैं 3, 3 इज डिवाइजर ऑफ 3, करेक्ट है? 3 3, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6, करेक्ट, रिलेटेड हो जाएंगे। 3 इज डिवाइजर ऑफ 9, करेक्ट, एंड 3 इज डिवाइजर ऑफ 10, नो। 4 इज डिवाइजर ऑफ 3, नो। 4 डिवाइजर ऑफ 6, नो। 4 9, नो। 4 10, नो। 5 नहीं होगा 3 का डिवाइजर, 6 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, बट 10 का होगा, 5 टू जा 10। तो ओनली दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस गिवन रिलेशन, ठीक है? डोमेन लिखना है, डोमेन क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या क्या है, 2 3 एंड 5, राइट? रिपीट हो रहे हैं, आपको पता है सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे। ऐसे ही रेंज क्या होता है, ऑल द आउटपुट्स वाई कोऑर्डिनेट्स और द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। तो सेट है क्या क्या, 6 10 3 9, सो दिस विल बी योर आंसर। ये पूछा गया था हमसे डोमेन एंड रेंज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सेट गिवन है, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं, दिस इज सेट पी एंड दिस इज सेट क्यू। तो आपके पास दो सेट्स हैं पी एंड क्यू, पी में एलिमेंट्स हैं 9 4 एंड 25, एंड क्यू में ये एलिमेंट्स हैं जो गिवन है। तो इधर रिलेशन में देखो क्या क्या दिखाया गया है, 9 इज रिलेटेड टू 3 एंड -3, 4 इज रिलेटेड टू 2 and -2, and 25 is related to 5 and -5. Set Q में एक element छूटा हुआ है, that is 1. ये किसी से related नहीं है. Okay. अब आ जाते हैं question पर.
राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहले बोल रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाओ. अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें पहले एक कंडीशन देखनी होगी जो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स, तभी हम लिख पाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट. तो आपको पता है जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं हम उसको लिखते हैं एक्स. तो मैं लिखूंगी एक्स इज रिलेटेड टू वाई. अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि 9 रिलेटेड है 3 और माइनस 3 से, 4 रिलेटेड है 2 और माइनस 2 से, और 25 रिलेटेड है 5 और माइनस 5 से. तो 3 और माइनस 3 का इससे कैसे रिलेशन आ सकता है? You can see, if you do 3 square, that will give you 9. Minus 3 square, that will also give you 9. 2 square will give you 4. Minus 2 square will also give you 4. As if 5 and minus 5 square gives you 25. So, matlab inke beech mein square ka relation hai. So, agar main likhna chahti hu usko set builder form mein, to kaise likh sakte hain? X is related to Y if X is the square of y, लिख सकते हैं, where x belongs to set p and y belongs to set q, है ना, square था y का, so x is square of y, लिख दिया हमने set builder form में. इसको roster form में लिखना है, तो roster form में तो हम सारे elements list करते हैं कौन कौन से related है. तो 9 related है 3 से, 9 related है minus 3 से, 4 related है 2 से, 4 is related to minus 2, 25 is related to 5 and 25 is also related to minus 5, right? ये roster form हो गया हमारे पास. Now you have to write the domain. तो domain तो हम arrow diagram से भी देखकर अब बता सकते हैं. Relation set भी है इधर से भी देख सकते हैं. Otherwise arrow diagram से बहुत easy होता है. क्या होता है? जो first set में mapped elements हैं वो सारे inputs होते हैं. तो सारे ही elements mapped हैं. तो मतलब होल सेट पी ही मेरा डोमेन सेट आ जाएगा, या फिर 9 सेट 9 4 25 व्हिच इज द सेट पी, राइट. ऐसे ही रेंज जब मैं लिख रही हूँ तो रेंज क्या होता है? जो भी सेकंड सेट में मैप्ड एलिमेंट होते हैं वो हमारे रेंज सेट के एलिमेंट्स होते हैं, वही आउटपुट्स होते हैं, वही बाय कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो कौन कौन से मैप्ड है? 5 3 2 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 5. And see, I have not written it equals to Q, क्योंकि यहाँ पर एक one element है जो कि बचा हुआ है ना? So this you can see range is subset of codomain. Codomain यहाँ पर क्या है? Q. Correct. तो हमने कुछ questions देखे इस पर domain and range. So domain जो होता है, it is a set of inputs, all inputs, x coordinates or first element of the ordered pair in a relation, and range kya hota hai? Outputs, y coordinates or all second elements of ordered pair in a relation. Codomain, the whole set, second set hamare paas codomain hota hai. Ek hamare paas aur note hai jo hum dekhte hain. Dekho, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप बता सकते हो दैट कैन बी डिफाइन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. लेट्स से इधर समझते हैं. आपके पास एक सेट है 1 2 और एक सेट है b 3 4. तो अगर मैं आपसे पूछूं a टू b आप कितने रिलेशंस बना सकते हो, तो रिलेशन था क्या? रिलेशन वाज सबसेट था ना, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो एक तरीके से मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने सबसेट्स आप फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. हमें ये पता है कि अगर ए सेट में दो एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स वाज गिवन बाय कितसे? 2 रेज्ड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, 2 रेज्ड बाय 2. किया था ये हमने पहले जब भी हम निकालते थे सबसेट्स, राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट्स पढ़ा था हमने. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, राइट.
मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ कि अगर एक रिलेशन है, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी और उसमें दो दो एलिमेंट्स हैं, और मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने रिलेशंस बना सकते हो फ्रॉम ए टू बी, तो कितने रिलेशंस बना सकते हैं एक तरीके से उसका यही तो मतलब है, कितने सबसेट्स बना सकते हो फ्रॉम ए टू बी, तो कितने सबसेट्स बना पाएंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे इन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितने एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके हम देख लेंगे कि कितने सबसेट्स बन रहे हैं, है ना? क्यों? ये अभी हमने समझा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसी से हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इन द गिवन सेट, कितने बन सकते हैं उसके। तो यहां पर भी वही है कि इसके जितने एलिमेंट्स होंगे उसी पर तो डिपेंड करेगा इसके कितने सबसेट्स बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू द सेट इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रेज बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यही हमारे पास नोट है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो, रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो जितने सबसेट बन पाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के वही मेरे पास हो जाएंगे रिलेशंस, उतने ही रिलेशंस हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सेट ए में पी एलिमेंट्स है और बी सेट में क्यू एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट इन द बोथ गिवन सेट्स, तो पी इंटू क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, पॉसिबल सबसेट्स पूछ रही हूँ, तो दैट विल बी गिवन बाय टू रेज टू पावर पी, राइट। तो इसी के बेसिस पर आपको वन या टू मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट एक्स वाई जेड एंड बी बी द सेट 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस आप बना सकते हो फ्रॉम ए टू बी। तो हम देखते हैं कितने रिलेशंस बन सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ए टू बी पूछ रहे हैं कितने रिलेशंस बने, तो 6 हो गए। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू 2 raised to power 6 एंड दैट इज 64, सो दैट विल बी योर आंसर। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फॉर अ रिलेशन, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट कितने होते हैं, वो हमने एक नोट के फॉर्म में देखा।